हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। आज हम नलबारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में जो रास मेला है, 13 दिन का लंबा रास मेला आज शुभारंभ होने जा रहे हैं, तो वहीं पे आप लोगों को लेके चलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 रास मेला जो होने जा रहे हैं नलबारी में, नलबारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने जो एंट्रेंस है इसके बारे में हम लोगों ने बताए हैं। इससे पहला वाला जो वीडियो हम लोगों ने पब्लिश किया उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार रास मेला यहां लगे हैं, बहुत धूमधाम से, बहुत एक्सेप्शनल वे में ये रास मेला को इस बार ऑर्गेनाइज किया है। और ये 89 रास लेला यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत सारे एक्सेप्शनल चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्या होने वाले हैं तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे ये वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस की तरफ। इस बार मथुरा से जो जीवंतवाला रास मेला होता है तो वहाँ से ग्रुप आ रहे हैं, और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस बार मोहमयी अभिनेत्री मथुरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का जो एमपी है हेमा मालिनी जी भी 14 नवंबर 2022 को यहां आ रहे हैं। कोविड के कारण ये जो रास मेला है ये बंद पड़ा था 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद इस बार ये रास मेला हो रहे हैं, तो लोग बहुत ही खुश है, बहुत सारे लोग भर जाएंगे यहाँ आके। आज 7 नवंबर 2022 को रास को इनागोरेट किए हैं रास मेला को। और ये जो आप लोग ब्रिज देख पा रहे हो, ये फ्लाईओवर के बारे में हम लोगों ने पहले ही बताया था, तो ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह थोड़ा सा दिक्कतें आएंगे, लेकिन फिर भी अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आए हुए हैं। बाहर बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो चलिए मज़ा आ जाएगा। और एक दिन में पूरा वीडियो को कवर करना इतना आसान नहीं है, तो हम पार्ट पार्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग अगले वाला जो वीडियो हम लोग पब्लिश करेंगे आराम से देख सकोगे। वैसे ही फेमस है रास मेले के लिए, अभी तो 4-5 जगह पे ये जो रास मेला है ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन पहला जो है वो नलबारी डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले आते हैं। पहले नलबारी डिस्ट्रिक्ट में ही होता था रास मेला, अच्छे अच्छे रास मेला अभी दूसरे दूसरे जगह पे भी देखने को मिलता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे दूसरे जगह का भी रास मेला दिखाने के लिए। बहुत दूर दूर से बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह लेके आते हैं लोग, यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि शारका थिएटर, जो ब्रह्ममन थिएटर होते हैं, लाइव थिएटर, फिर जादू वादू, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग दिखाएंगे, तो बर्मन्स ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। आज सिर्फ ब्रीफली आप लोगों को ये इनॉग्रेशन वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ, और थोड़ा बहुत रास मेले में क्या क्या स्टॉल लगे हैं वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत आज दिखा देता हूँ, लेकिन अगले वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, ये मेले का पूरा खासियत आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो में मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, आप लोगों को मज़ा आएगा बिल्कुल। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं, ये है एंट्रेंस, पूरा सिक्योरिटी पर्सनल से भरे हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इनॉग्रेशन प्रोग्राम हो जाने के बाद अभी यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, वन बाय वन ये प्रोग्राम चलता रहेगा, फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस वगैरह पहले दिन में ही। और ये है मेन मंडप, मेन मंडप को हम दिखा देते हैं, चलिए आगे। इनॉग्रेशन प्रोग्राम में कितने सारे लाखों लोग भर गए हैं आप लोग देख पा रहे हो, ये देखिए थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। रास माने हल रस, और সেই রস হল ভক্তি রস, মুখ্য রস। দীঘলীয়া ভাষণ দিয়ে মানে রস ঠিক ঢালিব খোঁজা নাই, আমার প্রভুশ্বর ডাঙরিয়া আছে, তত্ত্বগুরুর কথা আমাক আপ্লুত করব। কৃষ্ণর সেই সংস্কৃতির আধারতে ভারতবর্ষ আজি চলি আছে, আমার সংস্কৃতি, আমার সমাজ। यहाँ एक्चुअली जो है मूर्ति से एग्जिबिट करते हैं पूरा रास लीला को, तो हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके देखेंगे क्या क्या एग्जिबिशन लगा हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग पीछे क्या क्या एग्जीबिट किए हुए हैं कृष्ण लीला को रास लीला वो आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे मतलब चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल पे देखने को मिलेगा तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। ये शुरुआत है और आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री श्री कृष्ण का ये है गोवर्धन रूप। देखिए पानी गिर रहे हैं ऊपर से, पूरा पहाड़ को हाथ में उठा के लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसमें दिए हुए हैं, कोशिश किए गए हैं और धीरे धीरे आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल दिखने को मिलेगा। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। ये है ये उस साइड में है ग्रंथ मेला, तो आप लोग आते ही यहाँ जा सकते हो। मैं हर एक वीडियो में बताते आया हूँ कि कोई भी मेला हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो असम में कल्चर को हमेशा ध्यान दिया गया है। ये देखिए ये मेन चीज़ें हैं जो ब्रश मेटल का एक फार्मूला यहाँ लगा के रखे हैं। ये मेरे पीछे बहुत सारे लोग देखिए पहले दिन में ही इतना। थोड़ा सा ब्रीफली ग्रंथ मेला होके आते हैं, क्या क्या चीज़ें दिखने को मिलता है थोड़ा देख के आते हैं। पहला दिन है तो लोग आए हैं, स्टॉल लगाए हैं, पूरा सजावट हो रहे हैं। ग्रंथ मेला में क्या है, अब ये ग्रंथ वही सब चीज़ें मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ मेला से बाहर होके जाते हैं, बाकी और क्या है मेले में तो देखेंगे। मज़ा आने वाले हैं, लेकिन मज़ा आएगा, आप लोग आइए। मेला आज से शुरू हो गया है और 28 नवंबर तक ये चलता रहेगा। इसी के बीच में आप लोग आइए। लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आफ्टर दो साल के बाद ये पहली बार ये रास मेला होने जा रहे हैं। वो आज से चलेगा पूरा 13 दिन, मतलब 20 तारीख तक चलेगा 13 दिन। तो आप लोग आइए, इसी के बीच में कभी टाइम निकल के आइए। वीडियो में मैं बोलता ही हूँ कि असम इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो ये देखिए हैंडीक्राफ्ट का भी स्टॉल लगे हुए हैं, ये असम का आर्ट है। स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, लगा रहे हैं। कल परसों से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और जैसे थिएटर ब्रह्मवन थिएटर स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो बोला आप लोगों को, ये फ्लाई ओवर हरी मंदिर जो है असम का एक फेमस मंदिर है, क्योंकि नलबारी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और नलबारी डिस्ट्रिक्ट इस फेमस फॉर रास लीला। तो ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा है, ये कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक। ये बन गया होता तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते। अभी हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो कितने लोग आज भी आए हैं इनॉग्रेशन के दिन। थोड़ी देर में और भी लोग आएंगे। बात एक बता देता हूँ कि ये रास मेला जो है, और रास मेला बेसिकली जो है इस फेमस फॉर ब्रह्मवन थिएटर, जो लोगों के द्वारा किया जाता है लाइव थिएटर। तो इस बार भी 10-12 थिएटर लगेंगे। वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो वॉच करते रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम पब्लिश करेंगे आप लोग देख पाओगे। हरी मंदिर जहाँ रास मेला होता है, यहाँ का एक ड्रॉबैक्स ये है कि ये जो है रेलवे, इसी के बीच में से जाते हैं और बहुत सारे अच्छे हो भी गए थे, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए थे। तो यहाँ पूरा सिक्योरिटी लगे रहते हैं। ये थोड़ा एक रिस्की कारोबार है, अगणन लोग आके भर जाते हैं। यहाँ एक रिस्की चीज़ें हैं। यहाँ से एक्चुअली ये नलबारी रेलवे स्टेशन है, सामने आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा सा आगे, और उसके बाद ये रंगिया होके रंगिया जंक्शन है एक बहुत बड़ा, तो यहाँ से पूरा गुवाहाटी जाते हैं। तो फिर भी हम लोग केयर रखेंगे, आप लोग भी केयर रखिएगा अपना और संभाल के आइएगा और रास मेला का पूरा आनंद उठाइए। तो रास मेला देखते देखते अगर भूख लगे तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल मिल जाएगा जहाँ आप लोग इसका मज़ा उठा सकते हो। तो उतना सारा चीज़ें दिखा नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि सभी लोग जो है डेवलप कर रहे हैं, और कल परसों में जब फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो जाएगा तब बिल्कुल मज़ा आएगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आप लोग अगर आते हो तो पॉकेट को संभाल के आइएगा, क्योंकि यहाँ 1 इंच दूरी भी मतलब स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो पहला दिन है,
इसीलिए आप लोगों को शायद छोटा ही लगा होगा, लेकिन दिखाएंगे हम लोग कल परसों में जब फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो जाता है तब दिखाएंगे। नेक्स्ट को छोड़ के अगर ज़्यादा ही भूख लगते हैं तो पंजाबी तंदूर, यहाँ आप लोगों को चिकन मटन का वैरायटी मिल जाएगा, तो आइएगा। तो आज हम 25% रास मेला देख लिए हैं और इनॉग्रेशन का प्रोग्राम आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, पॉकेट को थोड़ा सा बढ़ा करके लाइएगा और लेकिन केयर में रखिएगा आप। अगर जेब में माल हो तो कुंडल में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए तो चलिए, थैंक यू सो मच है, जल्दी ही दूसरा एक वीडियो में ये रास मेला का। इजाज़त दीजिए आज के लिए, स्टे सेफ, स्टे कंफर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।